नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं बर्णेंद्र। नवादा जिले के सिरदला थाना क्षेत्र में एक बड़ी घटना हुई है। बड़ी घटना तो नहीं, लेकिन घटना है। और घटना यह है कि वहां पुलिस टीम के साथ धक्का मुक्की, दुर्व्यवहार, लपड़ थप्पड़ जो है किया गया। और ये जो कुछ किया गया वो शराब माफिया के द्वारा किया गया है। शराब माफिया की ये करतूत कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा कर रही है। हालाँकि पुलिस ने बाद में बड़ा एक्शन लिया और वो जो भी आरोपी हमलावर थे उनको गिरफ्तार किया। तो घटना ये मंगलवार की रात यानी 4 जुलाई की रात की है। पुलिस ने सूचना के आधार पे जो है सो राजन एक गांव है सिरदला थाना क्षेत्र में, वहाँ रेड करने पहुँची थी। और कोई कमलेश कुमार हैं, कमलेश कुमार शर्मा, उनको एक 11 लीटर शराब और एक स्कूटी के साथ गिरफ्तार किया था। लेकिन उस दौरान ग्रामीण कुछ जुट गए और पुलिस वालों से उन लोगों को छुड़ा लिया। इस दौरान पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई। बाद में जो भी पुलिस अधिकारी थे वो थाने पे पहुंचे और थानाध्यक्ष सहित अन्य बड़ी अधिकारियों को घटना की सूचना दी गई। उसके बाद सिरदला थाना और परना डवर थाना से भारी संख्या में पुलिस बल उस रात पे ही गाँव में पहुँची और पुलिस वालों ने जमकर रेड किया। और इस दौरान 4 लोगों को, जो मुख्य आरोपी है शराब धंधेबाज कमलेश कुमार और उसके एक मुकेश कुमार हैं उप मुखिया, वार्ड सदस्य उप मुखिया हैं, अभी बताया जाते हैं शराब धंधेबाज कमलेश के भाई हैं जो उप मुखिया हैं मुकेश कुमार। इसके अलावा किशोर कुमार उर्फ किशोरी पांडे और बिक्की कुमार उर्फ बिक्की पांडे, 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई। शराब की भी रिकवरी हो गई है और स्कूटी भी पुलिस जब्त कर लिया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अप्रैल 2016 से शराबबंदी लागू हुई है, लेकिन शराबबंदी रुक नहीं। कुछ दिन पहले ही पिछले सप्ताह का ही मसला है कि रजौली चेक पोस्ट पर कुरकुरे के कार्टन के नीचे में पूरा ट्रक शराब भरा हुआ बरामद हुआ था। लाखों का शराब था, वो करीब 500 पेटी शराब बरामद हुआ था। तो कहीं ना कहीं शराब का धंधा चल रहा है, देसी विदेशी, महुआ जिस प्रकार का हो। सिरदला थाना इलाका तो महुआ शराब चुलाने और बेचने और ट्रांसपोर्ट के वाले काफ़ी बदनाम है। तो एक बड़ी खबर थी, हमको लगा कि ये सूचना है, जानना हम लोगों के लिए ज़रूरी है कि पुलिस के साथ इस टाइप का हुआ। इस मामले पुलिस FIR लॉज कर ली है, जो बताया जा रहा है कि वो कांड संख्या 270/2023 लॉज हुआ है और 4 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है सो हुई है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। एक अपील कि अगर अब तक आपने नवादा लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बजा लेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।